नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। आपने चोरी की बहुत सी वारदातों को अंजाम देते देखा और सुना होगा, पर चोरों की नजर भगवान की मूर्ति पर ही पड़ जाएगी ये कभी नहीं सोचा होगा। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद के सेक्टर 15 पोर्श इलाके से सामने आया, जहां पर बुधवार यानी 21 जुलाई को शाम लगभग 4:30 बजे दो महिलाएं मंदिर में प्रवेश करती सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रही हैं। और जब वह यहां से गई तो मंदिर के प्रथम तल पर रखी राधा कृष्ण की मूर्ति गायब थी। जब तक मंदिर के पुजारी और संचालकों को इस बारे में पता चला, तब तक यह महिलाएं मंदिर से जा चुकी थी। आइए दिखाते हैं आपको मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई ये तस्वीरें। जरा गौर से देखिए, मंदिर के गेट पर एक कार आकर रुकती है। कार से दो संदिग्ध महिलाएं उतरती हैं। दोनों महिलाएं पहले मंदिर के मेन गेट पर मंदिर परिसर को छूकर भगवान का आशीर्वाद लेती हैं, फिर मंदिर के अंदर घुस जाती हैं, फिर दोनों मंदिर के प्रथम तल पर पहुंच जाती हैं। आरोप है कि ये प्रथम तल पर बने छोटे मंदिर से उसमें रखी राधा कृष्ण की मूर्ति को चुरा लेती हैं। तस्वीरों में साफ तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इन्हीं महिलाओं के जाने के बाद यहां से राधा कृष्ण की मूर्ति गायब हुई है, ऐसा दावा है मंदिर के संचालकों का। मंदिर के संचालकों ने इन्हीं महिलाओं पर राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी का आरोप लगाए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हाव भाव और कपड़ों से महिलाएं किसी अच्छे घर से नजर आ रही थी, लेकिन उन्होंने चोरी किस मकसद से की है उन्हें ये नहीं पता। फिलहाल मंदिर के सेक्रेटरी की माने तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की है और पुलिस को सीसीटीवी भी उपलब्ध करा दी गई है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पुलिस मंदिर में चोरी करने वाले दोषियों को गिरफ्तार कर लेगी। वहीं पुलिस के मुताबिक सूचना मिलने के बाद उन्होंने मंदिर का दौरा कर सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है और अब मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। मेरा नाम डी भारती, मैं जगन्नाथ कल्चरल सेंटर से कर रही हूं। दो मूर्ति यहां से गायब हुई हैं, वो कौन किस किस चीज की मूर्तियां हैं और वो किस प्रकार गायब हुई? वो मूर्ति राधा कृष्ण जी की थे और वो मूर्ति जो है कल दो लेडी आके यहाँ अपना कार रोक करके ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद उन्होंने क्या देखा, और कोई थे नहीं ना होते हुए उन्होंने के दो मूर्ति उठा के ले गए, जो कि हमारी फुटेज है। तो क्या उसकी कई लिखित में शिकायत दी है और क्या उन महिलाओं पहले से आती जाती रही है या नहीं? ऑलरेडी हमारी जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर के दास, ऑलरेडी उन्होंने लॉस कर चुके हैं। पुलिस वाला कल आए थे, उन्होंने पूरा डिटेल लेके गए हैं और आज भी उन्होंने आए थे, लेकिन अर्जेंसी वजह से वो कहीं चले गए। मुझे बोल गए कि आप आए, कुछ डेवलपमेंट होता तो मुझे बताओ। अगर महिलाओं की बात करें, क्या वो महिलाएं कभी इस मंदिर में आती जाती रही हैं या पहली बार आई हैं? ऐसा सर, बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ऐसे तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो इंटेंशन कल था सर, वो बिल्कुल यही था कि वो आए और मूर्ति हम लेके चले जाएंगे। तो इंटेंशन यही था बिल्कुल। यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व इट कि आपका जो फुटेज है ना सर, उस फुटेज से आपको भी दिखाई देगा कि इनका उद्देश्य था उधर ऊपर जाना और मूर्ति लेके चले जाना। तो क्या इस मंदिर में जिस तरह से वो ऊपर गई हैं, इस तरह से मूर्ति चुराई, तो क्या यह रोकथाम नहीं होती किसी महिला उसकी? नहीं नहीं होगा, जैसे हमें एक वार्निंग मिल गया सर, हम आगे के लिए हम अपना तैयार कर लेंगे उसी हिसाब से।
तो अभी तो हम यही सोचते हैं कि विजिटर्स आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, चले जाएंगे, लेकिन ऐसे गंदी हरकत करेगा कोई, ऐसा तो हमारी फीलिंग नहीं था ना सर, कभी हमने सोचे नहीं थे। क्या मानते हैं लॉकडाउन में मंदिरों में भी चोरी की आ गई है? मुझे नहीं लगता कि जैसे लेडीज दोनों थे ऐसे घर की होंगे, क्योंकि अच्छे खाते पीते घर के मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि पूजा पांडव भी तो उन्होंने ये चोरी किया है। अब मंदिर के जो पुजारी हैं या जो मंदिर के जो स्थायी लोग हैं, आप लोग हैं, क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन? हम चाहते हैं कि आगे ये रोकथाम के लिए और ऐसा गंदी हरकत और कोई ना करे, जो भी है तो पब्लिक को मिलना चाहिए कि ऐसे मंदिर में, हिंदू मंदिर में इस तरह चोरी होना ये अच्छा नहीं लगता। ये सेक्टर 15 स्थित जगन्नाथ जी का मंदिर है, जिसमें श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति जो स्थापित थी उसको किसी अननोन व्यक्ति ने चोरी कर लिया है, जो अष्टधातु की थी। इस पर पुलिस को आज शिकायत मिली है, मामला कुछ शाम का बताया जा रहा है। पुजारी ने जो शिकायत दी है उसमें FIR दर्ज की गई है और CCTV के फुटेज चेक किए जा रहे हैं मंदिर में और आसपास के। इस कुकृत्य में जो भी व्यक्ति या जो आरोपी है उसने जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, जो आस्था से जुड़ा हुआ है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उसको अरेस्ट किया जाएगा जल्दी। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।